बाबा बाबा बाबा, मार्वल वालों को सारा चैन नहीं है। हम सोते रह गए और इन्होंने एक नहीं दो कांड कर दिए रातों रात। बाबा, थंडरबोल्ट्स एंड कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड दोनों का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर काफी कन्विंसिंग लगा है। तो इस वीडियो में थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर को एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन करते हैं कि ज्यादा क्या ही दिखा दिया इन्होंने पिछले टीजर के मुकाबले, और इसी के साथ साथ मूवी का स्टोरी प्रिडिक्शन भी लग जाएगा। शुरुआत करते हैं, लेकिन बाबा लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा एक लाइक से, लेकिन हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, सपोर्ट बनाए रखो। तो बाबा, ट्रेलर बहुत औसम है, हिंट दे दिया कि ये मूवी फुल बकैत होने वाली है, जस्ट लाइक गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी, अ टीम ऑफ फुल ऑफ लूजर्स। लेकिन ये चीज मार्वल से सीखनी पड़ेगी, अपने विलेंस को लेकर एक नया कंटेंट कैसे बना सकते हैं। भाई, मार्वल वालों ने अलग ही चूतिया काट रखा है, विलेंस को लेकर एक टीम बना दी जो दुनिया बचाएगी, मतलब कुछ भी। इतने जल्दी कल्प्रिट्स का हृदय परिवर्तन करवाना है तो मार्वल डिटेंशन कैंप में भेज दो, है ना बाबा। एक बंदा जिसके लिए बहुत एक्साइटमेंट था कि खुल के दिखाया जाएगा ट्रेलर में, मतलब थोड़ा बहुत और दिखाया जाएगा, यानी बॉब उर्फ AKA सेंट्री, लेकिन मेकर ने अभी भी इसे हाइड करके रखने की ही कसम खाई है। इससे ज्यादा तो टीजर में ही दिखा दिया था बॉब के बारे में। अच्छा, कोई नया बंदा है तो मैं आपको बता दूं ये बॉब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे मार्वल में जो विलेन आने वाले हैं वो तशरीफ फाड़ हैं सारे, नल एंड डॉक्टर डूम जैसे। ये दोनों थैनोस के भी बाप हैं, और अगर कॉमिक की बात करूं तो बाबा वो सेंट्री ही है, यानी बॉब, जो अकेला काफी देर तक वन एंड वन बैटल में टक्कर देगा नल द सिम्बियोट गॉड को। हालांकि कॉमिक में नल सेंट्री को मार देता है, पर मूवी में देखते हैं क्या होगा इसका एंगल। और मैं आपको फिर से बता दूं, सेंट्री मार्वल यूनिवर्स का सुपरमैन है, जो कहा जाता है इसके अंदर 100 सन की पावर है। और अगर सुपरमैन की बात करें तो कहा जाता है कि इसके अंदर एक सन के बराबर ही पावर है। तो देखते हैं मार्वल सेंट्री को कैसे इंट्रोड्यूस करता है, कितना पावरफुल दिखाता है। फिलहाल तो ट्रेलर में बस वही एंगल दिखाया जो हमें टीजर में ही दिखाया गया था, बॉब पर एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं जो शायद सेंट्री में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को दर्शाता है उस लैब के अंदर, और अपने थंडरबोल्ट्स यानी येलेना, जो एक फेल एजेंट है, ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट किलर, जॉन वॉकर जिसे कैप्टन अमेरिका की जगह दी जा रही थी पर इसी के चूतियापे ने यह सब रुइन कर दिया, घोस्ट जो विलेन है एंटमैन एंड वॉस्प यानी एंटमैन 2 मूवी का, टास्क मास्टर जो विलेन है ब्लैक विडो मूवी का, एंड अपना रेड गार्डियन AKA लुक लाइक सेंटा क्लॉस, जिसे आपने ब्लैक विडो मूवी में भी देखा होगा, जो अपने येलेना और नताशा रोमानोफ का पप्पा भी है, एंड बाबा ऑल फेवरेट अपना बकी, जो शायद सभी जानते होंगे द विंटर सोल्जर। तो ये लूजर्स की टीम उस लैब में बॉब से मिलते नजर आ रहे हैं, जो मेरा अनुमान कह रहा है कि इन्हें जानबूझकर इस लैब में भेजा गया होगा बॉब उर्फ सेंट्री की पावर का टेस्ट करने के लिए, या फिर बॉब को एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरा सीन में बॉब के कपड़े में ढेर सारे छेद दिख रहे हैं, जो दर्शाता है कि यस पंगा हुआ है लैब के अंदर थंडरबोल्ट्स और बॉब के बीच में। बॉब बचकर बाहर निकलकर आ गया है, जो फिलहाल दुनिया के लिए एक्चुअल थ्रेट है, क्योंकि वी ऑल नो सेंट्री कितना पावरफुल है उर्फ बॉब। लेकिन पूरे ट्रेलर में थंडरबोल्ट्स भाग किससे रहे हैं आखिर, मतलब ये वैलेंटीना की भेजी आर्मी ही लग रही है, जो आई थिंक थंडरबोल्ट्स को उस लैब में वैलेंटीना ने ही भेजा होगा। टीजर से इतना क्लियर नहीं हुआ था, बट ट्रेलर से थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, जहां मे भी उस लैब में थंडरबोल्ट्स को सेंट्री को मारने का काम दिया गया होगा, और वैलेंटीना ने पीछे से अपनी आर्मी को भी थंडरबोल्ट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए भेज दिया होगा, और ये बात शायद थंडरबोल्ट्स को पता लग गई होगी और उन्होंने सेंट्री को बाहर आने दिया होगा, जो ये सीन दर्शाता है जहां सेंट्री ने ही थंडरबोल्ट से कहा होगा कि मैं इनसे निपटता हूं, लेकिन इस लैब फाइट के दौरान शायद टास्क मास्टर मारा गया है बॉब से लड़ते वक्त, क्योंकि उसके बाद टास्क मास्टर देखने को नहीं मिल रहे हैं पूरे ट्रेलर में, सिर्फ बकी, रेड गार्डियन, येलेना एंड घोस्ट ही देखने को मिल रहे हैं। तो बाबा, स्टोरी फिलहाल इतनी कोई मिस्ट्री कवर नहीं कर पा रही है, सिंपल स्टोरी लग रही है, और मार्वल की मूवी से स्टोरी की हम उम्मीद भी नहीं कर सकते। ये अपना काम VFX, CGI इफेक्ट एंड उछल कूद वाले एक्शन में ही निकाल लेते हैं, और इसका बढ़ावा भी हम ही लोगों ने दिया है इसे। स्टोरी की मांग फिलहाल हम करते नहीं है इनसे, हमें तो सुपर हीरो जैसे उनकी पावर देखने का ही मजा आता है बस। हाँ, बाकी जो बकैतियां दिखाई जाने वाली हैं पूरी मूवी में वो मजेदार होने वाली हैं, लाइक वही गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वाला फन एंड ह्यूमर देखने को मिलेगा इसमें भी। एक दो कॉमिक पंचेस बड़े शानदार निकल कर आए हैं इस ट्रेलर में, लाइक वो स्टार्क टावर में वैलेंटीना रेक्सी को देखकर बोलती है कि हु इज दिस ओल्ड सेंटा, एंड वो एक्सप्लेन करता है कि आई एम द रेड गार्डियन, एंड वो ऐसे चौंकती है जैसे ऐसा प्राणी कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंड वो लैब में जॉन वॉकर के साथ कैप्टन अमेरिका वाला जो कि बाबा तू बना था पर मात्र 2 सेकंड के लिए। तो ट्रेलर ऑसम है, काफ़ी फनी एंड एक्शनेबल है, आपने नहीं देखा तो जरूर देखना, और देख लिया तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है नीचे जरूर बता के जाना। बाकी बात करते हैं कि साला कैप्टन अमेरिका एक्चुअल मार्वल वाले बनाना किसे चाहते हैं आखिर, जॉन वॉकर को या फिर अपने सैम विल्सन को, क्योंकि कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड ट्रेलर में अपना सैम विल्सन स्टिल खुद को प्रूव कर रहा है एज कैप्टन अमेरिका। भाई बड़ी शंका है, दोनों को सील दे रखी है, क्या होगा आगे देखते हैं।
बाकी यहाँ लगाते हैं विराम, नेक्स्ट वीडियो में बातें करेंगे आगे की स्टोरी वगैरह, तो प्रिडिक्ट कर ही ली कि क्या मिल सकता है हमको मूवी में, तो बस सेंट्री ही बचा है, इस पर एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे कि और क्या खतरनाक ये हो सकता है। लेकिन हाँ, आज बहुत बड़ा दिन है, कीप इन टच, क्योंकि इस वीडियो के बाद फ्रॉम सीजन 3 एपिसोड 8 का रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन वीडियो भी आ जाएगा, और 8th एपिसोड इस सीजन का बहुत शानदार होने वाला है। देन उसके बाद शाम तक कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के ट्रेलर को भी एक्सप्लेन एंड ब्रेक डाउन कर देंगे, तो कीप इन टच। न्यू हो तो बाबा सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिसने भी बेल आइकॉन नहीं दबाया है वो दबा लेना, क्योंकि टाइम पे वीडियो आपको मिल जाएगी इससे। बाकी वीडियो कैसी लगी जरूर बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर, क्या मिस हुआ है मुझसे वो भी जरूर बता के जाना, उस पर अलग से नई वीडियो में बात कर लेंगे। यहाँ तक पहुँच गए तो इसका मतलब वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।